हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू द आर्क जेनेसिस। और इस वीडियो में हम लोग टाइमर बेस्ड इमेजेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका, आप जानते हैं क्या करना है आपको। 45 सेकंड में आपको मिलेंगे और इस इमेज को ऑब्जर्व करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो अगले 45 सेकंड जितना भी हो सके उसको इमेज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। और इसी टॉपिक के ऊपर, इस इमेज के ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली मैं 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द टाइप ऑफ द कॉलम वॉज यूज इन द कंपोजिशन। आपको बताना है कि जो कॉलम था वहां पर इमेज में वो किस तरह कॉलम था, डोरिक, आयनिक, कोरिंथियन या फिर टस्कन। देखिए, तो आप जानते हैं कि जो ये तीनों हैं ये आपके ग्रीक आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक नाटन ने क्वेश्चन पूछा नहीं इसके ऊपर आई गेस, लेकिन इसका मतलब है चांसेस बहुत ज्यादा है कि पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो टस्कन एंड कंपोजिट, ये आपको 5 डिफरेंट ऑर्डर्स याद करने हैं। ये रोमन आर्किटेक्चर का पार्ट है। ठीक है, सो कोरिंथियन जो था, राइट आंसर वाज द कोरिंथियन। एक्चुअली कोरिंथियन ग्रीक ने इनिशिएट किया था, बट उसका वाइडली जो यूज किया गया था इट वाज द रोमन्स, जिन लोगों ने रोमन्स ने खुलेआम अच्छा खासा उसको यूज किया। तो आई गेस आपका पहला क्वेश्चन ठीक हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ द स्फेयर्स। आपको बताने हैं कि कितने टोटल स्फेयर्स थे वहां पर, 12, 13, 32 या 31। तो आई गेस देख लिया होगा आपने, उसको ट्राई करते हैं। सही आंसर इज, मुझे भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और बाकी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। सो टोटल नंबर ऑफ द स्फेयर इज 31। ठीक है, तो आई गेस आपने 12 या 13 लगाया होगा, ज्यादातर बच्चों ने। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगेन सेम इमेज आएगी, मतलब पैटर्न सेम रहेगा, इमेज अलग होगी। ऑब्जर्व कीजिए, 30-45 सेकंड के टाइम में आपको देता हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विच कलर डोमिनेटेड इन द गिवन इमेज। कौन सा कलर डोमिनेट कर रहा था, इसका मतलब सिंपल है कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है तो वो डोमिनेट करेगा। तो इसका ऑप्शन आपने लगाया होगा येलो, ब्लू, ऑरेंज एंड पिंक। देखते हैं, आपने सोच लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम इज द गिवन पैटर्न रिपीटेड इन द इमेज। कितनी बार ये जो पैटर्न है इमेज में रिपीट हुआ है, 2, 3, 4, 5। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है, 4, 5, 6, 7 आपको बताना पड़ेगा। चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, विच कलर डोमिनेटेड इन द गिवन इमेज। तो देखते हैं एक ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको, येलो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक। तो येलो, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, तो येलो देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। येलो 5 टाइम्स, ब्लू 1, 2, 3, 4, ऑरेंज 1, 2, 3, 4 एंड पिंक। तो एक्चुअली इसमें कलर कोड ढंग का है ही नहीं, अगर इसको काउंट करेंगे तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो येलो कलर है वो सबसे ज्यादा बार डोमिनेट कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट हुआ मतलब डोमिनेट कर रहा है। फिर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टाइम्स इस पैटर्न, तो ये कौन सा है, ये वाला, तो 1, 2 और यस, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच एनिमल अपियर्ड मैक्सिमम टाइम, कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा बार अपियर हुआ है, दिखाई दिया है, तो सोच ले होगा आपने। फिर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ द एनिमल्स, कितने नंबर्स थे टोटल एनिमल के, तो सर 24, 25, 26 या 20, तो लेट्स सी। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ, इट इज येलो डक, 1, 2, 3, 4 टाइम, और आई गेस ज्यादा बार कोई रिपीट नहीं हुआ, देख के लग रहा है छोटा है पर कई बार रिपीट हुआ है। आपसे पूछा है कितने एनिमल्स है, तो यहां पर काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। सो 25 एनिमल यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सो राइट आंसर विल बी 25। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपको इमेज ऑब्जर्व करनी है। ठीक है पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पैटर्न ऑफ द पिलो वॉज, कि जो एक पिलो रखा हुआ था उसका पैटर्न क्या था, ऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक शेप का मतलब होता है पैटर्न, मतलब साइल दिस काइंड ऑफ दिस कॉर्ड इज ऑर्गेनिक पैटर्न, ठीक है। जिगजैग था, डायगोनल लाइंस या फिर रैंडम स्ट्रोक्स थे, तो देखते हैं इसको भी। पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी चेयर्स वर देयर इन द पिक्चर, कि पूरी की पूरी इमेज में कितनी चेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। सो चेयर काउंट कर लेते हैं, तो इट इज 1 एंड 2, ओनली 2 चेयर्स, ठीक है। और जो पिलो है उसका पैटर्न क्या था, इट इज ज़िगज़ैग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, और यहां पर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द चेयर इज 2, 1 एंड 2, यस। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने इमेज है, ऑब्जर्व कीजिए इसको 45 सेकंड के लिए। चलिए क्वेश्चन है आपका पहला, हाउ मेनी टोटल चेयर्स वर देयर इन द डाइनिंग सेट, तो जो डाइनिंग सेट है उसमें कितनी चेयर थी आपको फिर से बताना है। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार में, हाउ मेनी फ्लावर पॉट वर देयर ऑन द डाइनिंग टेबल, कितने फ्लावर पॉट आपको देखने को मिले थे उस इमेज में जो कि टेबल पर रखे हुए थे, डाइनिंग टेबल पर। तो डाइनिंग टेबल पर देखते हैं कितनी चेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 6 चेयर्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी फ्लावर पॉट ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है।
सो यहां पर पहला और दूसरा कितने आपको पॉट देखने को मिले, टू या तीन, यस यहां पर तीसरा भी तो है, तो यहां पर टोटल मिलेंगे आपको तीन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपके सामने है, इसको ऑब्जर्व कीजिए इमेज को। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच एनिमल वॉज इन द केज, तो केज में कौन सा एनिमल था, इसका आपको बताना है। सो आई गेस इट वॉज अ कैट, यस। एंड सेम क्वेश्चन है, वॉट इज रॉन्ग विद दिस पिक्चर। ये क्वेश्चन मैं ओपन एंड करके जा रहा हूं, मतलब आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि क्या इसमें आपको लगता है, इस इमेज में क्या कमियां हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ कमेंट करें और मैं ट्राई करूंगा दो तीन वीडियो और अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन एटलीस्ट प्रैक्टिस हो सके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितने कमेंट्स आएंगे, जितना मुझे लगेगा तो मैं कर देनी चाहिए, आई विल मेक दैट राइट। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।